सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है, कितने वीक्स के बाद करवाया जाता है, टेस्ट की प्राइस क्या हो सकती है, क्या आप घर पे मेजर कर सकते हो, नहीं मशीन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हो सके तो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टेस्ट के बारे में आज हम सारी चीजें जानने वाले हैं, लेकिन वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक आपने मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे वीडियोस के साथ एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टेस्ट। दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जो बेबी अभी मां के पेट के अंदर है उसकी हार्ट रेट कितनी है। अब हार्ट रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो रूटीन चेकअप में डॉक्टर हर बार चेक करते हैं। तो हर बार यूएसजी करना एक लायबल ऑप्शन नहीं है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो डॉक्टर मोस्टली जो है वो फीटल डॉक्टर मॉनिटरिंग टेस्ट ही करता है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसकी मदद से डॉक्टर जो बच्चा मां के पेट के अंदर उसकी हार्ट बीट क्लियरली सुन सकते हैं। काफी मशीन्स ऐसे भी है जिसमें डिस्प्ले पर बिट्स पर मिनट भी दिखा देते हैं, जहां पे अगर वो नॉर्मल रेंज में होता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि नहीं हार्ट रेट तो नॉर्मल है। और ये मशीन का यूज डिलीवरी के टाइम पे भी होता है, जब लेबर प्रोसीजर हो रही है तब भी होता है। तो बेसिकली ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि डॉक्टर को पता चले कि बेबी जो पेट के अंदर है उसकी हार्ट रेट कितनी है। अब हम बात करेंगे कि जो छोटा सा मशीन है वो काम कैसे करता है। दोस्तों मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं जिसमें बहुत ही सिंपल चीजों का यूज करूंगा। मान लीजिए ये मशीन है और ये एक प्रोब है। अब ये प्रोब जब पेट पे रखा जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो है जनरेट होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड में होते हैं वैसे ही वो जाते हैं बॉडी के अंदर, और वहां से जो रिफ्लेक्शन आता है वो मशीन के अंदर आता है, और जो रिफ्लेक्शन आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, और ये जो गया था यहां से उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो जब वो वापस आता है तो मशीन में ये जो दो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए ए फ्रीक्वेंसी गई थी, बी फ्रीक्वेंसी वापस आ रही थी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करके उसे बीट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, एंड फिर एम्पलीफायर थ्रू आपको स्पीकर में एक बीट का साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो ये बेसिकली इस तरह से मशीन काम करता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। साउंड वेव्स आते हैं, रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड वेव्स आते हैं उसके रिफ्लेक्शन को मेजर किया जाता है, डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है, और उसी के बेसिस पे आपको बाहर आवाज सुनाई देती है। और ये मशीन काफी हद तक एक्यूरेट है, इसके रिजल्ट पे भरोसा किया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करके क्या आपको ये मशीन खरीदना चाहिए। दोस्तों वैसे इस मशीन को खरीदने की प्रैक्टिकली कोई नीड आपको नहीं है। जब आप रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ये मशीन रखते हैं। वैसे अगर आप खरीदना चाहते हो तो मशीन की कॉस्ट को इतनी ज्यादा नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट एमेजॉन पे भी मिल जाएगा। 2000 से लेके 5000 रुपए तक की प्राइस रेंज में ये मशीन आता है। हो सके तो बीपीएल कंपनी का मशीन खरीदेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं देने वाला हूं, लोगों को लगेगा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, तो आप सर्च करके खुद ही वहां से परचेस कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बीट सुनाई देती है वो कब स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफी में 8 to 10 weeks है, काफी में 12 weeks है, काफी में 14 weeks है, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन निकाला ओवरऑल 10 to 14 weeks के बीच में आपको ये आवाज आना स्टार्ट हो सकती है। वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे डर जाने की जरूरत नहीं है। एंड ये मशीन मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप खरीदो, क्योंकि होगा क्या जब आप खरीदोगे तो हर रोज आपको सुनने का मन करेगा, शायद से कभी आपका प्लेसमेंट प्रोब का ठीक हुआ नहीं हुआ, अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो टेंशन के मारे भी कुछ और गलत चीजें हो सकती है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज की। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल रेंज 120 to 160 है। अगेन ये वेरी होती रहती है बेबी के अंदर, वो एक नॉर्मल सी चीज है जो आपको डॉक्टर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे हमने बात की कि फिटल डॉपलर टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है, मशीन कैसे काम करता है, नॉर्मल रेंज क्या है, मशीन कितने का बिकता है, सारी चीजें मैंने आपको फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टेस्ट के बारे में बताई है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए ही है, तो मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे वीडियोस के लिए ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आता रहता हूं, तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।